नेटफ्लिक्स की जर्मन टीवी सीरीज डार्क की तीसरी और आखिरी सीजन आने वाली है। इस सीरीज ने अपने यूनिक टाइम ट्रेवल प्लॉट के जरिए दुनिया भर के लोगों के दिमाग का दही किया है और साथ ही एंटरटेनमेंट भी दिया है, नहीं तो शायद ही यह इतनी पॉपुलर सीरीज होती। ऐसी सीरीज में आपको कम से कम 5 से 6 एपिसोड देखने पड़ते हैं, तब जाके आपको लगता है ओहो ये बात। और अगर आप अपने दिमाग की और बजाना चाहते हैं तो स्वागत है आपका बियॉन्ड स्क्रॉलिंग में, और आज हम देखेंगे ऐसी 10 टीवी सीरीज जो आपके दिमाग का दही कर देगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। डार्क जेंटली होलिस्टिक डिटेक्टिव एजेंसी। बहुत कम ही लोगों ने इस सीरीज के बारे में सुना है। यह काफी अंडररेटेड टीवी सीरीज है जिसमें केवल 2 सीजन आए। डार्क जेंटली एक हॉलिस्टिक डिटेक्टिव है जो अपने आसपास के हो रही चीजों के कनेक्शन को जोड़कर इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे आपके पैर में अगर चोट आई तो इसके पीछे भी कोई वजह है जिसका फ्यूचर में कोई कनेक्शन है, या चोट आखिर आई क्यों, और इसी तरह के लॉजिक से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। स्टोरी और प्लॉट के बारे में ना ही बोलूं तो बेहतर होगा। यहां आपके साथ लॉर्ड ऑफ रिंग्स के एलाइजा वुड भी है। फिल्म में सब कुछ है, साईफाई, थ्रिलर, स्पेशली कॉमेडी, म्यूटेंट्स, दुनिया के अंदर दुनिया, और एक असैसिन जिसे आप मार नहीं सकते क्योंकि उसका लक उसे फेवर करता है। अगर आप मजे के साथ अपने दिमाग की बजाना चाहते हैं तो यह सीरीज आप बिल्कुल मिस ना करें। मौका मिले तो देख डालिए, आप बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेंगे। काउंटरपार्ट। इस 2017 की साईफाई सीरीज जो पैरेलल यूनिवर्स या न्यू डायमेंशन के बारे में बताती है, यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर हावर्ड सिल्क यूनाइटेड नेशन के बर्लिन के एक एजेंसी में काम करता है। एक दिन वहाँ पर उसके जैसे ही दिखने वाले इंसान की लाश मिलती है और उसे अपने ऑफिस के ही अंदर छुपे हुए एक दूसरे डायमेंशन के डोर के बारे में पता चलता है। तो एजेंसी उसे उस डायमेंशन में जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। अब क्या पूरी कहानी यहीं सुन लोगे? यह सीरीज काफी पेचीदा है, मतलब जलेबी जैसी सीधी मगर मीठी। यह सीरीज साईफाई होने के साथ साथ इंसानी इमोशंस को दिखाती एक इंटेलिजेंट ड्रामा भी है। यूटोपिया। यह एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जहां एक ग्रुप के लोगों के हाथ एक ग्राफिक नोवेल लगता है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट के सारे होने वाले बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, और साथ ही इनके पीछे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन द नेटवर्क भी लगा हुआ है जिन्हें यह नोवेल चाहिए। इस सीरीज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई है। इसकी साउंड ट्रैक काफी वियर्ड सी है मगर कहानी के साथ सूट्स परफेक्टली। फिलहाल इसकी US रीमेक भी बन रही है जो इस साल रिलीज होगी। फिर भी एक बार ओरिजिनल देख ही लीजिए क्योंकि आफ्टर ऑल ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। सेंस्ड। 2015 की टीवी सीरीज की कहानी है 8 लोगों की जो दुनिया के अलग अलग कोने में हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाते हैं और एक दूसरे की एबिलिटीज को शेयर कर सकते हैं मगर असल जिंदगी में कभी नहीं मिले। जैसे अगर एक को कराटे आता है तो सारे उस कराटे को यूज कर सकते हैं। साउंड इंटरेस्टिंग नो? बस ये 8 लोग यही सोचने में लग जाते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। यह सीरीज एक मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह है जहाँ हर एक ट्विस्ट के बाद सीरीज का मजा बढ़ते जाता है। सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई है क्योंकि इस दुनिया के कई जगहों पे शूट किया गया है और स्पेशली एक कैरेक्टर भारत से भी है। फिर क्या, यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, गो फॉर इट। इट्स जस्ट एक्सपैंडिंग। अगर आप एक मूवी लवर हैं तो हमारे चैनल में ऐसे कई वीडियोस हैं जिन्हें देखना आप पसंद करेंगे। इसके लिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अल्टर्ड कार्बन। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज की कहानी है भविष्य की जहां मरने के बाद लोगों की मेमोरी को स्टोर करके रखा जाता है, जहां वह किसी और इंसान के शरीर में उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जिन्हें स्लीव्स कहा जाता है। ऐसे ही एक स्पेशली ट्रेंड सोल्जर की मेमोरी को एक ऐसी स्लीव बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसकी मौत अभी हुई है और पुलिस उसे सुसाइड बता रही है, मगर जिसने उसे ट्रांसप्लांट किया है वह इसे एक मर्डर मानता है और उसे इस बॉडी की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहता है। तो फिर क्या, वह इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है। समझाना जितना मुश्किल लग रहा है तो देखकर समझना कितना मुश्किल होगा। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। VFX एंड प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छे हैं। फ्रिंज। यह एक इन्वेस्टिगेशन साईफाई ड्रामा है जहां एक FBI एजेंट ओलिविया डनहम एक सनकी पागल वैज्ञानिक वाल्टर बिशप और उनके बेटे पीटर बिशप के साथ मिलकर फ्रिंज साइंस के जरिए केसेस को सॉल्व करते हैं। यहां एक मेन प्लॉट है जो पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्टेड है और हर एपिसोड्स में अलग अलग केसेस हैं जहां विज्ञान की ऐसी थ्योरीज का यूज होता है, यकीन मानिए, जिसे आप लोगों ने सुना तो छोड़िए सोचा भी नहीं होगा। मगर आप अभी ज्यादा मत सोचिए और इस सीरीज को Amazon Prime Video पर अभी देख लीजिए। I don't think you can. Oh.
लीजन, बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स। कहानी है डेविड हॉलर की, जो एक सिज़ोफ्रेनिक है, यानी ऐसी बीमारी जहां आप सही ढंग से सोच समझ या महसूस नहीं कर सकते, और उसे एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया है। मगर असल में वह दुनिया का सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, और इसका एहसास उसे उस समय पता चलता है जब सिड नाम की एक पेशेंट उसके हॉस्पिटल में आती है, और उसके बाद जो कहानी टर्न लेती है आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से यह वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज है, जो काफी अंडररेटेड है। इसके टोटल 3 सीजन है, जिसमें 27 एपिसोड्स हैं। What's that? लॉस्ट, यह इस सदी की एक्चुअल फर्स्ट माइंड बेंडिंग टीवी सीरीज थी, जिसके 6 सीजन हैं। इसकी पॉपुलैरिटी इतने ज़्यादा थी कि पूछिए मत, लोगों ने कई सारी थ्योरीज लिख डाले थे इस सीरीज़ के ऊपर। कहानी है एक लोगों के ग्रुप की, जो एक हवाई जहाज के क्रैश होने पर अपने आप को एक मिस्टीरियस आइलैंड में पाते हैं, और वह किस प्रकार एक दूसरे की मदद से इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। सीरीज थ्रिलर से मिस्ट्री, मिस्ट्री से ड्रामा, ड्रामा से साईफाई, साईफाई से टाइम ट्रेवल, और ना जाने क्या क्या कवर करती है। यह जानने के लिए यह सीरीज आप मिस ना करें। ऑर्फन ब्लैक, नेटफ्लिक्स की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज की कहानी है सारा की, जो एक स्ट्रीट स्मार्ट लड़की है, और एक दिन अपने ही हमशक्ल को सुसाइड करते हुए देखती है, और उसकी जगह वो ले लेती है, और उसके बाद कहानी जैसे आगे बढ़ती है, और ऐसे ऐसे नए ट्विस्ट और रिवील आते हैं कि पूछिए मत। सीरीज की लीड एक्ट्रेस तातियाना ने जबरदस्त काम किया है, जो स्टोरी के हिसाब से काफी मुश्किल है, मगर फिर भी आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। इसके टोटल 5 सीजन है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। द ओए, वन सेकेंड नेटफ्लिक्स की इस सीरीज की कहानी है प्रेरी जॉनसन की, जो अंधी थी और 7 साल से लापता थी, अपने घर वापस लौटती है, जहां उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। कुछ लोग इसे मिरेकल बोलते हैं, तो कुछ लोग इसे बुरा शगुन बोलते हैं। यह सीरीज ऐसी है जहां आपका ध्यान हटा, बस आगे की कहानी को फॉलो करना आपके लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। इस सीरीज की कल्ट फॉलोइंग काफी ज्यादा है, जो इस सीरीज की 3री सीजन की डिमांड कर रहे हैं। अगर फ्री हैं तो इसके 2 सीजन आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। I remember everything. क्या आप हमारे लिस्ट से सहमत हैं? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ नए ऑप्शंस पता चलें तो प्लीज लाइक करना ना भूलें।